अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, असातिज़ा हज़रात और वालिदैन। सबक के पिछले हिस्से के वीडियो में हमने संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे। शिवाजी महाराज के दौर में संत तुकाराम और संत समर्थ रामदास भी हो गुजरे। इनकी तालीमात भी लोगों में पुर असर साबित हुई। संत तुकाराम जो कि पूना के देहु गाँव में पैदा हुए, इनके घर खेतीबाड़ी थी और एक किराना दुकान भी थी। संत तुकाराम के वालिद और आबा अजदाद मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज दिया करते थे, लेकिन संत तुकाराम ने जो अपने हिस्से के कर्ज के खाते थे और उनकी वसूलियाबी के जो खाते थे उनको इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि लोग कर्ज में फंसे रहे, इसलिए उन्होंने लोगों को कर्ज से आज़ाद कर दिया। वो विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरपुर भी जाते। उन्होंने बहुत से अभंग लिखे, उन्होंने बहुत से कीर्तन भी गाए। लोग उनके कीर्तन के इतने शौकीन थे कि उनका कीर्तन सुनने लोग रोज़ आते, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए आते। लोगों में मसावात हमदर्दी पैदा हो, इसी की उन्होंने तालीम दी। वो हमेशा कहा करते थे कि वो इंसान एक इंसान है, बड़ा है और फरिश्ता है, जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझे, दूसरों की मदद करे। इसके बाद उनके जय जय के नारे लगने लगे। महाराष्ट्र में हमेशा से ज्ञानबा तुकाराम का नारा गूंजने लगा। असल में ज्ञानबा जो है तो ज्ञानेश्वर को ही कहा जाता है। उसके बाद संत समर्थ रामदास जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन जाम नाम के एक गांव में पैदा हुए। श्री समर्थ रामदास का असली नाम नारायण था, लेकिन वो अपने आप को रामदास के नाम से पुकारते थे। वो कहते थे कि मैं राम का दास हूँ। उन्होंने अपनी किताब दास बोध में लोगों को बहुत से अच्छी तालीमात दी और मसावात के उपदेश दिए। उन्होंने लोगों में भाईचारा और भलाई को उजागर किया। उन्होंने लोगों में ताकत की कीमत को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर हनुमान के मंदिर बनाए, ताकि लोगों को समझे कि हमारे अंदर जो ताकत होती है उसकी एक कीमत है, और लोगों से इस तरह लोगों की हौसला अफजाई हुई। लोग उनके इस नसीहत को अपनाने लगे और पुरजोश अमल करने लगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से संत समर्थ रामदास भी अपनी तालीमात के ज़रिए लोगों में एक छाप छोड़ी, एक नक्श छोड़ा। उनका भी यही कहना था कि आपस में भाईचारा रखो, लोगों से हमदर्दी रखो और अच्छे काम करो, अच्छी तालीमात दो, जिससे हमारी पूरे समाज की तालीमी, समाजी, सकाफती, जज्बाती और अखलाकी तरक्की होगी। इस तरीके से जितने भी तमाम संत गुजरे सबकी यही तालीमात थी, और इस तालीमात को लोगों में उजागर पैदा किया, लोगों में हौसला अफजाई हुई, लोग बेदार हुए और लोगों में अपने आप को खुश रखने की सलाहियतें पैदा हुई।